नमस्कार दोस्तों, जीएसटी सुविधा सेंटर के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन के बारे में बताएंगे। भारत में कितनी तरह की कंपनियां आप रजिस्टर करा सकते हैं, तो इनमें सबसे पहले आता है प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप वैसी कंपनी है जिसको कोई एक अकेले ही स्टार्ट करना चाहता हो। इस तरह की कंपनी में पेपर वर्क बहुत ही कम होता है, कोई सफिक्स नहीं होता, इसके नाम के लिए भी कोई यूनिकनेस नहीं होता। आप अपने पसंद के अनुसार अपनी कंपनी का नाम रख सकते हैं, जैसे XYZ Enterprises, XYZ Traders। इस तरह की कंपनी के लिए कोई फॉर्मल रजिस्ट्रेशन की भी ज़रूरत नहीं होती, GSTIN रजिस्ट्रेशन ही काफ़ी है। इस तरह की कंपनी में केवल एक ही मेंबर हो सकता है। और प्रोप्राइटरशिप कंपनियों की वैधता इनकी प्रोप्राइटर्स के मृत्यु के साथ ही ख़त्म हो जाती है, इन्हें किसी और के नाम से ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। इसके बाद आता है पार्टनरशिप, वैसी कंपनी जिसमें पार्टनर्स हो। पार्टनरशिप कंपनी में भी काफ़ी कम पेपर वर्क की ज़रूरत होती है। इस तरह की कंपनी का कोई सफिक्स नहीं होता और इसके नाम के लिए भी कोई यूनिकनेस नहीं होता। आप अपने पसंद के नाम के अनुसार अपनी कंपनी का नाम रख सकते हैं, जैसे कि XYZ Enterprises, XYZ Traders। पार्टनरशिप कंपनी को अगर पार्टनर्स चाहें तो रजिस्टर भी करा सकते हैं या नहीं भी करा सकते हैं, लेकिन पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होना ज़रूरी है जिसमें सभी पार्टनर्स की जानकारी और उनके इन्वेस्टमेंट की जानकारी हो। इस तरह की कंपनी में मिनिमम 2 या मैक्सिमम 20 पार्टनर्स हो सकते हैं। इन कंपनी की वैधता इनके पार्टनर्स की मृत्यु के साथ ही ख़त्म हो जाती है, इन्हें किसी और के नाम से ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। तीसरे नंबर पर आता है प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। इनमें एक से ज़्यादा डायरेक्टर होते हैं, इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा प्रीफर करते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए आपके पास कंपनी के लिए एक यूनिक नाम होना चाहिए। यूनिक मीन्स कि उस नाम से पहले कोई भी कंपनी रजिस्टर नहीं होना चाहिए। इस तरह के कंपनीज का सफिक्स प्राइवेट लिमिटेड होता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड जुड़ा होना चाहिए। उदाहरण के लिए, जैसे कि अजय फ्रूट्स के नाम से कोई कंपनी रजिस्टर करवाना चाहता है तो उस कंपनी का नाम होगा अजय फ्रूट्स प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को फॉर्मली मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन अफेयर्स MCA से रजिस्टर करवाना होता है और कंपनी रजिस्टर होने के बाद GSTN रजिस्टर करवाना होता है। इस तरह की कंपनी में मिनिमम 2 या मैक्सिमम 200 बोर्ड मेंबर या डायरेक्टर्स हो सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की वैधता इनके डायरेक्टर के मृत्यु के बाद भी बनी रहती है। डायरेक्टर्स के मृत्यु के बाद उनके हिस्से के शेयर्स उनके नॉमिनी को ट्रांसफ़र किया जाता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करने के लिए आपके पास मिनिमम 1,00,000 का कैपिटल होना चाहिए। चौथे नंबर पर आता है LLP, यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ये भी एक प्राइवेट लिमिटेड की तरह फॉर्मल कंपनी है जिससे रजिस्टर करवाना होता है। आप इसे प्राइवेट लिमिटेड और पार्टनरशिप कंपनी का मिक्सर भी कह सकते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी रजिस्टर करवाने के लिए आपके पास कंपनी के लिए एक यूनिक नाम होना चाहिए। यूनिक मीन्स कि उस नाम से पहले कोई कंपनी रजिस्टर नहीं होना चाहिए। इस तरह के कंपनीज का सफिक्स LLP होता है। लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप कंपनीज के नाम के अंत में LLP जुड़ा होना चाहिए। उदाहरण के लिए, जैसे कि अजय टॉयज LLP। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी को फॉर्मली मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स या MCA से रजिस्टर करवाना होता है। कंपनी रजिस्टर होने के बाद GSTN रजिस्ट्रेशन भी करवाना होता है। इस तरह की कंपनी में मिनिमम 2 या मैक्सिमम कितने भी पार्टनर्स हो सकते हैं। पार्टनर्स के कितने भी संख्या के लिए कोई बाध्यता नहीं है। इन कंपनी की वैधता इनके पार्टनर्स के मृत्यु के बाद भी बनी रहती है। पार्टनर्स के मृत्यु के बाद उनके हिस्से के शेयर्स उनके नॉमिनी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और इसके बाद आता है OPC, यानी कि वन पर्सन कंपनी। यह उन लोगों के लिए है जो अकेले ही अपना बिजनेस कर रहे हैं और अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाना चाहते हैं और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फ़ायदे लेना चाहते हैं। वन पर्सन कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए आपके पास कंपनी के लिए एक यूनिक नेम होना चाहिए। यूनिक अर्थात कि उससे पहले उस नाम से कोई कंपनी रजिस्टर नहीं होनी चाहिए। इस तरह की कंपनीज का सफिक्स PVT LTD OPC होता है। वन पर्सन कंपनी के नाम के अंत में PVT LTD OPC जुड़ा होना चाहिए। उदाहरण के लिए XYZ प्राइवेट लिमिटेड OPC।
वन पर्सन कंपनी को फॉर्मली मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स या MCA से रजिस्टर करवाना होता है। कंपनी रजिस्टर होने के बाद GSTN रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। इस तरह की कंपनी में केवल एक ही डायरेक्टर हो सकता है। इन कंपनी की वैधता इनके डायरेक्टर के मृत्यु के बाद भी बनी रहती है। डायरेक्टर के मृत्यु के बाद उनके हिस्से के शेयर्स उनके नॉमिनी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। वन पर्सन कंपनी स्टार्ट करने के लिए आपके पास मिनिमम 1,00,000 का कैपिटल होना चाहिए। अपनी कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए GST सुविधा सेंटर से संपर्क करें। अपने नज़दीकी GST सुविधा सेंटर के बारे में जानने के लिए कॉल करें 1800-843-5500।